नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल योर ऑनलाइन सीए पर। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप घर बैठे आधार कार्ड से फोन नंबर लिंक कर सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि आधार कार्ड से फोन नंबर लिंक होना, क्योंकि आज के डेट में आधार कार्ड की जो इंपॉर्टेंस है बहुत ज्यादा है। तो इसलिए हमारा आधार कार्ड के अंदर फोन नंबर होना, अपडेट होना काफी जरूरी है, क्योंकि बिना अपडेट के हम काफी सारे चेंजेस हैं आधार कार्ड में खुद से नहीं कर सकते। सिर्फ उसके अंदर में एड्रेस चेंज करना, काफी सारी चीजें हैं, उसे डाउनलोड करना UDI के साइट से, वे सारी चीजें विदाउट आप जो लिंक है आपका नंबर, तो उसके बिना नहीं कर सकते हैं। तो लिंक कैसे किया जाता है, पहले आपको आधार कार्ड के सेंटर में जाना पड़ता था, अब विदाउट आपको आधार सेंटर में जाए बिना भी आप खुद से लिंक कर सकते हैं। आपको लिंक करने के लिए क्या, सिंपल से छोटा सा फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म भरने के बाद आपको जो पोस्ट ऑफिस की तरफ से डोर स्टेप आपको दी जाएगी, उनका एजेंट है जो आपके पास आएगा और आपका जो आधार कार्ड है फोन नंबर से वो लिंक कर देगा। काफी आसान सी प्रोसेस है ये फॉर्म भरना है आपको। ये फॉर्म कहाँ से भरा जाएगा, किस साइट से आपको मिलेगा, ये सारी बातें आपको वीडियो बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो शुरू से मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊंगा, आपको नए टैब में ओपन कर देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे लिख लेना है IPPB, लिखना है आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। आपको सिंपल इस पे क्लिक कर देना है। सबसे पहला जो आपके पास ऑप्शन आने वाला है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पर्सनल का, इस पे आपको क्लिक करना है। तो कुछ इस तरीके से आपके पास स्क्रीन ओपन हो जाएगी। तो सबसे पहले आपके पास जो ऑप्शन आ रहा है आप इसको क्रॉस करके से काट देना आपको यहाँ पर। ये अब आपको आना है सर्विस रिक्वेस्ट के अंदर। सर्विस रिक्वेस्ट के अंदर आप जाएंगे, नॉन IPPB कस्टमर के अंदर आप जाएंगे। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा डोर स्टेप बैंकिंग का, इस पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। डोर स्टेप बैंकिंग के क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके से ऑप्शन आपके पास यहाँ पे ओपन हो जाते हैं। आपको सीधा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा आधार मोबाइल अपडेट, इस पे आपको यहाँ पे सिंपल यहाँ पे क्लिक कर देना है। अगर आपको उसमें और भी कोई ऑप्शन यहाँ पे लेना है, कोई उसमें और किसी चेंज करवाना, बिल पेमेंट का, डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर, तो यहाँ से भी आप वो ऑप्शन ले सकते हैं। आपको फिलहाल यहाँ पे मोबाइल नंबर से अपडेट करवाना हो आधार पे, तो इस पे आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। आप पे क्लिक करने के बाद आपको बेसिक डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले ऑप्शन आपके पास आता है सैल्यूटेशन का, यहाँ पे आपको चूज एन ऑप्शन पे इस पे क्लिक करना है। आपका जो भी है मिस्टर मिसिज मिस, उस पर आप यहाँ पे क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मिस्टर मैं डाल देता हूँ, आपको फर्स्ट नेम है जो फर्स्ट नेम आपको यहाँ पे डाल देना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने राम यहाँ पे डाल दिया है। लास्ट नेम जो भी होगा लास्ट नेम यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा। आपको मोबाइल नंबर डाल देना है, जो मोबाइल नंबर आपको अपडेट कराना आधार कार्ड के अंदर, वो मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा। एक्टिव मोबाइल नंबर फॉर एग्जाम्पल ऐसे हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं, ये आधार नंबर मैंने यहाँ पे डाल दिया है फोन नंबर। उसके बाद आपको मेल आईडी यहाँ पे डाल देनी है, आधार एड्रेस डालना है फर्स्ट लाइन यहाँ पर, एड्रेस आपको एड्रेस टाइप कर देना है। एड्रेस के यहाँ पे सेकंड एड्रेस लाइन में यहाँ पे दूसरा एड्रेस यहाँ पे एड्रेस सेकंड लाइन से मतलब मेरे यहाँ पे से आपका हाउस नंबर फ्लोर नंबर जो भी इस तरीके से फर्स्ट लाइन में आ जाएगा। सेकंड लाइन में जो अभी आपका एरिया हो पड़ता होगा उस तरीके सेकंड लाइन में आप वो एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद आपको पिन कोड डालना है, जो भी आपके एरिया का पिन कोड है पिन कोड डालना है। नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस स्टेशन आपको सेलेक्ट करना है, जो भी आपका पोस्ट ऑफिस है नियर स्टेशन आप सेलेक्ट करेंगे वो जो डिटेल है बाकी ऑटोमेटिक यहाँ से उठा लेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एड्रेस डाल देता हूँ, मैंने रोहिणी डाल दिया यहाँ पे, मैंने डेली डाल दिया, पिन कोड मैंने डाल दिया इसका। अब ये आपका नियरेस्ट जो पोस्ट ऑफिस आपको यहाँ पे डाल देना है रोहिणी सेक्टर 7, तो ऑटोमेटिक डिटेल ही अपने आप यहाँ से उठा लेगा। तो आपको एनी स्पेसिफाई रिक्वेस्ट यहाँ पे जो भी आपकी रिक्वेस्ट यहाँ पे डालनी है आप यहाँ पे डाल दीजिए। मोबाइल नंबर अपडेट करवाना आधार से, तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। रिक्वेस्ट टाइप करने के बाद आपको सिंपल एग्री पे आई एग्री पे टर्म कंडीशन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो आपको टैक्स वेरिफिकेशन यहाँ पे कैप्चा है वो कैप्चा आपको यहाँ पे डालना है। डालने के बाद कैप्चा को आपको सिंपल यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करा देना है। तो विद इन 7 डेज के अंदर आपके पास पोस्ट ऑफिस से उनका एजेंट आएगा। वो एजेंट आपको एड्रेस कौन सा डालना है, जिस एड्रेस पे आप रह रहे हैं उस एड्रेस पे आपको डालना है, वो आपके पास जो है डोर स्टेप पे आपके आपके आधार ऑथेंटिकेशन वहाँ पे करेगा। तो वहाँ पे जो आपका जो नंबर वहाँ पे वो आधार कार्ड से वो लिंक कर देगा। और भी कोई चेंजेस आपको करवाने हैं तो यहाँ पे अपनी रिक्वेस्ट में यहाँ पे स्पेसिफाई यहाँ पे कर सकते हैं, वो भी रिक्वेस्ट यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो काफी लोगों का क्वेश्चन होता है यहाँ पर कि वो क्या कोई चार्ज करेगा हमारे से नहीं करेगा, क्योंकि जो उनकी बेसिक फीस होगी वो जो अपना चार्ज होगा लीगल फीस वहाँ पे आप जरूर आपसे चार्ज करेंगे। और साथ ही में काफी लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है जो उनके ये नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस है यहाँ पे जो उनका पोस्ट ऑफिस का एड्रेस नहीं आ रहा है, तो अभी तक ये सेवा है पूरे हमारे देश में चालू नहीं की गई, कुछ शहरों में पे चालू की गई है, तो वहीं के लिए अभी वहां तक ही अभी सीमित है। जिन भी पोस्ट ऑफिस का यहाँ पे नाम आ रहा है उनके आसपास के एरिया के जो लोग हैं वही फिलहाल इस सेवा को जो है उसका लाभ उठा सकते हैं।
तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप घर बैठे अपने फोन नंबर को लिंक कर सकते हैं आधार कार्ड से। साथ ही में किसी को चेक करना है कि हमारे आधार कार्ड से कौन सा फोन नंबर लिंक है, तो इसके लिए मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, उसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक डाल दूंगा। दो तरीके से मैंने आपको बताया हुआ है, फिर आपको आधार कार्ड में एड्रेस चेंज करवाना है, आधार से रिलेटेड काफी वीडियो मैंने बनाई हुई है चैनल पे, उन सभी के लिंक मैं अपने चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कमेंट डाउन कर सकते हैं, और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।